हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली अपना आ गया है ACM। ये रहा ACM जो मैंने बुलवाया था, तो चलिए इसको लगा के देखते हैं अपन। तो फाइनली मैंने खोल चुका हूँ ये ACM। तो अब दोस्तों इसको लगा के देखते हैं अपन अपनी टाटा नैनो में, टाटा नैनो ट्विस्ट पे। चलो भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए पार्ट नंबर, जिसको समझ में ना आए कि जिस जिसको मतलब डाउट हो कि ACM कौन सा होता है टाटा नैनो ट्विस्ट का, उसका पार्ट नंबर नहीं मिलता। ये देखिए पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर है, ठीक है, टाटा नैनो ट्विस्ट का पार्ट नंबर ये है। देखिए दोस्तों, आप लोग सबके लिए चलिए अब इसको लगाते हैं अपन और फिर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है अपनी गाड़ी का। इसको हालांकि अपन मैकेनिक के पास लेके नहीं जाएंगे, इसको हम खुद लगाने की कोशिश करेंगे। अरे खुल जा सिम सिम, हाँ खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ये खुल गई अपनी शानदार टाटा नैनो 35 के माइलेज के साथ। सॉरी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले अपन इसे सीट डाउन कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। सीट डाउन करने के लिए अपने को ये वाला, ये खींचना पड़ेगा टाइट टाइट टाइट, क्या बोलते हैं इसको। ओहो भाई, बहुत ज़ोर से खींचना पड़ा, ताकत लगी। तो दोस्तों इसको बाहर ही निकलना पड़ेगा, मेरे को बाहर निकल के डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यस टाइप से है कुछ। अरे एक फंस गया यार। इसको यूं इस तरीके से खोल लेना है तो जैक ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अरे आजा सिम सिम, आजा, खुल जा सिम सिम, खुल गया। अरे खुल जा, ये भी खुल गया भाई। अब इसको उठाना है, साले ने पूरे नेट नहीं लगाया है हलाली की वजह से। ये देखिए दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं अपने को, ये वाला खोलना है अपने को। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ, लंबा हो जाएगा यार वीडियो। वैसे लगे रहते हैं ये देखिए, मतलब ये 1 2 3 4 5 छः ऐसे नट बोल्ट, सॉरी नट बोल्ट बोल रहा हूँ, नट के बोल्ट क्या बोलते हैं दोनों में से एक, कुछ कंफ्यूज रहता हूँ यार इसमें, लगे रहते हैं। इन लोग को खोलिए और बस फिर सारी चीज़ें सामने रहेंगी आपके। और अगर ये ढक्कन खोलना है तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 ऊपर नीचे ऐसा लगा रहता है, खोलो पूरा सब बाहर आ जाता है हिसाब किताब। ठीक है दोस्तों, रुकिए फिर मैं खोल के पूरा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए खुल गया अपना, ये रहा कूलेंट, इसमें कूलेंट अभी है फ़िलहाल, भरने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा अपना नया वाला ACM और ये रहा पुराना वाला ACM। ये लगता है यहाँ पे, ये दिखा आपको, लाइट जलाऊँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये है बस, और कुछ नहीं है। इसको ईजीली ऐसा, इसको ऐसा उठाओ और इसको धीरे से फंसकाए। ओ माय गॉड, ये क्या गिर गया यार। जनरली ये गिरता नहीं है, मगर क्या मालूम लूज़ हो गया इस वजह से। और इसको प्यार से ऐसे हिलाएं और ये निकल गया भाई ACM का। ये ऐसा लगा था ना, ये पोजीशन थोड़ी सी याद रखनी, हालांकि लगेगा नहीं वो उल्टा सीधा, और फिर भी है ना। ये हो गया अपना, ये वो डेढ़ होशियार ने टेम्परेचर टी निकाल दिया है ताकि हमारे को प्रॉब्लम आए, हम दोबारा उसके पास लेके जाएं। हालांकि इसको अपन वापस लगा देंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से कुछ लगा है। सॉरी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से ये तो बन नहीं रहा था मेरे को। तो ये फाइनली मैंने लगा लिया है। तो इस तरफ ये ऐसा रहता है, ये ऊपर साइड पर लगता है क्योंकि इसके पिने जो हैं सब ऊपर पर रहती है, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये अपना पहले का मैं लगा हुआ है एक, और ये अपन ने एक और लगा दिए ये जो अभी आया है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करके अपन देखते हैं कि क्या है। देखते हैं मीटर पे क्या वार्निंग शो करता है, क्या नहीं करता है। ये देखिए ये सब आ गया, तो देखिए दोस्तों ये जो फ्यूल एफएनसी का, एफएनसी सॉरी फ्यूल एफएनसी का जो
फ्यूल जो भी बताता है यार, ये उसका मीटर है जो काम नहीं कर रहा था, अब आ गया। ये फ्री फ्यूल बताया ना, ये इसीलिए बताया क्योंकि अभी ये जो क्या बोलते हैं, अब काम कर रहा है ये। और अब देखिए ये गर्म का भी बता रहा है, पहले ये नहीं बताता था, है ना। सॉरी। तो बैटरी का भी मीटर आ गया, बैटरी का भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, और ये जो बता रहा है ना रिफ्यूलिंग, ये रिफ्यूलिंग का पहले नहीं बताता था दोस्तों। ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं। अब चलिए देखते हैं अपन गाड़ी स्टार्ट करके कि कैसा ये होता है। ये 131 किलोमीटर समथिंग चल गई है अपनी गाड़ी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हुई है गाड़ी अपनी स्टार्ट। साउंड आपको सुना देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये है बहुत बड़ा काम है ये, मगर अपन ने एकदम शॉर्टकट तरीके से किए हैं इसको, तो पता नहीं चल रहा है, है ना, कि अपन झट से कर डालें। अब इसको एक बार अपन चला के देखते हैं और फिर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि कैसा है, कैसी चल रही गाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी तो ठीक चल रही है, कुछ फ़र्क तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक ठाक चल रही है गाड़ी। रीडिंग का वो बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर उसको शायद मेरे को लगता है कि एक बार स्कैन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाड़ी चली नहीं थी तो हीट क्यों हो गई वो गाड़ी। रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा शायद, देखते हैं। चलिए और आगे चला के देखता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर एवरेज माइलेज क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसका पिकअप वगैरह बढ़िया ले रही गाड़ी।